तो स्वागत है आज की टेक्नोज में। आज की टेक्नोज बहुत ही गर्मा गर्म कमाल की होने वाली है दोस्तों। बहुत ही अच्छी अच्छी खबरें लेके आए हूँ आपके लिए। खबरें शुरू करें उससे पहले दोस्तों, रियलमी C3 और रेडमी के A8 ड्यूल के बीच बिग कंपैरिजन किया गया है। अगर वीडियो नहीं देखा तो दोस्तों जाके देखते हैं, प्ले लिस्ट के अंदर दिया गया है। और बहुत ही कमाल के मोबाइल है दोनों ही दोस्तों, उसमें विनर रहा है रियलमी का C3। अगर नहीं देखा तो जल्दी जाके देख लीजिए, 7000 की प्राइस में सबसे बेस्ट मोबाइल है। प्रोसेसर बहुत ही कमाल का है, पबजी खेल सकते हैं बिल्कुल इजीली। चलिए शुरू करते हैं आज की टेक न्यूज। पहली खबर की बात करते हैं, बहुत ही ज्यादा बुरी खबर है कोरोना वायरस को लेके। चाइना में तो दोस्तों कोरोना वायरस बहुत ज्यादा फैल रहा है, उसके बाद अब 20 कंट्री में कोरोना वायरस का खतरा मंडरा रहा है। इंडिया में भी बहुत से मरीज हमने देखने को मिले हैं। तो दोस्तों सतर्क चल रहा है, पर फिर भी इसके वायरस का पता चल गया है, जल्दी इसका एंटीडोट भी बनाया जाएगा और इसका इलाज किया जाएगा। पर दोस्तों फॉक्सकॉन और बड़ी बड़ी कंपनियों को बहुत ही ज्यादा नुकसान झेलना पड़ रहा है। एप्पल और गूगल के जो एम्प्लॉय है दोस्तों बाहर चले गए हैं ताइवान में, जो चाइना में अभी नहीं आया दोस्तों, तो बहुत ज्यादा लॉस हो रहा है प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग में। तो इससे दोस्तों नुकसान तो सबको झेलना पड़ रहा है, इंडिया में भी चाइना के माल नहीं आ पा रहे हैं। तो मोबाइल जो लॉन्च होने वाले थे चाइना में और इंडिया में भी दोस्तों, जो इन्फिनिक्स का S5 Pro इंडिया में लॉन्च होने वाला था 18 फरवरी को, जो मार्च में डिले हो गया दोस्तों, 6 मार्च को लॉन्च होगा, कल आपके मैंने बताया था। और बहुत से मोबाइल जो जल्दी लॉन्च होने वाले थे वो डिले हो चुके हैं, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग ही नहीं हो रही, तो दोस्तों कैसे लॉन्च हो पाएंगे। तो इसी को लेते दोस्तों ये खबर है कि कोरोना वायरस ने बहुत ही तहलका मचाया चाइना में, खास 20 कंट्री में दोस्तों, जहां से चाइना के लोग गए हैं वहां पे ये वायरस फैल चुका है। तो दोस्तों ये बहुत ही बुरी खबर है। आज सैमसंग ने दोस्तों अपनी गैलेक्सी S20 सीरीज को लॉन्च कर दिया, मोस्ट अवेटेड सीरीज है दोस्तों। बहुत ही कमाल के मोबाइल लॉन्च किए, उसमें 4 मोबाइल लॉन्च हुए हैं, उसमें गैलेक्सी 20, गैलेक्सी 20 प्लस और गैलेक्सी 20 प्लस अल्ट्रा दोस्तों लॉन्च हुए हैं। कमाल के स्पेसिफिकेशन है, सारी बात करेंगे। और उसके साथ साथ दोस्तों सेकंड फोल्डेबल फोन भी लॉन्च कर दिया, जो कि है जेड फ्लिप, बहुत कमाल का मोबाइल है दोस्तों, इसकी सारी स्पेसिफिकेशन बताने वाला हूं। और दोस्तों एक एयरबड्स को भी लॉन्च कर दिया, जो कि पिछले एयरबड्स की तरह दिखने हैं, पर थोड़े से साइज में छोटे हैं, प्राइस अच्छी है दोस्तों। और दोस्तों स्पीकर बहुत ही अच्छे एंटीक किए गए हैं। S20 में आपको 6.2 इंच की डायनेमिक ओ डिस्प्ले देखने को मिलती है, जो कि एमोलेड डिस्प्ले के साथ आती है, और साथ ही साथ दोस्तों 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देखने को मिलता है। तो दोस्तों डिस्प्ले में कोई कमी नहीं दी गई है, बहुत ही कमाल की डिस्प्ले है। और प्राइस भी दोस्तों 85,000 इसकी रखी गई है, 4000 mAh की बैटरी मिलती है, और साथ ही साथ दोस्तों 865 का प्रोसेसर देखने को मिलता है। अब इंडिया में दोस्तों इस प्रोसेसर के साथ लॉन्च होता है नहीं है अभी दोस्तों, US में आपको इसी प्रोसेसर के साथ देखो 5G वेरिएंट के साथ मिलता है, और इसमें 2 वेरिएंट देखने को मिलता है, 6GB, 8GB और 12GB तक के वेरिएंट इसमें देखने को मिल जाएंगे। 20 प्लस में आपको 6.7 इंच की बड़ी डिस्प्ले देखने को मिलती है, बेजल बहुत ही कम है दोस्तों, डॉट नॉच के साथ आता है, और कमाल की सेल्फी इसमें भी देखने को मिलती है। पीछे की तरफ दोस्तों एक कैमरा 2 MP डेप्थ सेंसर बढ़ा दिया गया है, बाकी 64 12 12 और 2 MP तो पीछे की तरफ क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिलता है। सेल्फी वही 40 MP की होने वाली है, बहुत ही ब्यूटीफुल सेल्फी देखने को मिलेगी। साथ ही साथ दोस्तों इसमें 4500 mAh की बड़ी बैटरी देखने को मिलती है। S20 में दोस्तों 4000 थी, इसमें 4500 mAh की कर दी गई है, 6GB, 12GB और 8GB वेरिएंट जो रैम वेरिएंट देखने को मिलेंगे। और बहुत ही कमाल का वो दोस्तों डिजाइन दी गई है, बड़ी स्क्रीन है और एमोलेड डिस्प्ले है दोस्तों, 120Hz की रिफ्रेश रेट इसमें भी देखने को मिली थी, और प्रोसेसर दोस्तों 865 का आपको देखने को मिल जाएगा। अल्ट्रा में आपको दोस्तों 6.9 इंच की बड़ी स्क्रीन देखने को मिलती है, और साथ ही साथ दोस्तों इसमें पीछे की तरफ क्वाड कैमरा सेटअप बहुत ही कमाल का, 108 MP का कैमरा प्राइमरी सेंसर, 48 MP का जूम देखने को मिलता है दोस्तों, साथ ही साथ 12 MP के 2 कैमरे और देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों कैमरा को लेकर बहुत ही कमाल का किया गया है इसमें काम। आगे की तरफ दोस्तों 40 MP की सेल्फी देखने को मिलती है, फुल एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलती है, जो कि डॉट नॉच के साथ आती है, और कमाल का दोस्तों प्रोसेसर है इसमें 865 जो कि 5G वेरिएंट ये है, और इसकी प्राइस दोस्तों 1,00,000 के करीब देखने को मिलेगी आपको। 5000 mAh की बड़ी बैटरी दी गई है इसमें दोस्तों, बड़ी स्क्रीन है इसके हिसाब से बड़ी बैटरी दी गई है इसमें। तो मोबाइल में दोस्तों आपको 45W का फास्ट चार्जर देखने को मिलेगा, जो कि बहुत ही फास्ट है। तो दोस्तों सैमसंग ने 45W का चार्जर लॉन्च कर दिया है, तो वो दोस्तों बहुत ही कमाल का रहने वाला, जल्दी से चार्ज कर देगा, डिस्प्ले बड़ी है दोस्तों, बैटरी भी बड़ी है, कमाल का रहने वाला है, प्रोसेसर बहुत ही तगड़ा है, 5G वेरिएंट के साथ लॉन्च हुआ है। तो दोस्तों ये तीनों ही मोबाइल बहुत ही कमाल के हैं। इसी के साथ साथ दोस्तों एक फोल्डेबल फोन को भी लॉन्च कर दिया है, जेड फ्लिप को। दोस्तों इसकी स्पेसिफिकेशन बता देता हूं, इसमें आपको 6.7 इंच की डिस्प्ले मिल जाती है, क्योंकि अल्ट्रा ग्लास देखने को मिलता है, जो कि बहुत ही मजबूत है दोस्तों, पहले पेपर पर जो काम किया गया था अब ग्लास का यूज किया गया है दोस्तों, फोल्ड होने के बाद बहुत ही छोटा हो जाता है। और इसमें ड्यूल कैमरा आपको देखने को मिलता है, जो कि 12 MP और 12 MP देखने को मिलेगा, 3700 mAh की बैटरी देखने को मिलेगी, और बहुत ही कमाल का दिख रहा है, तो छोटा सा पॉकेट में आराम से आ जाता है,
तो दोस्तों बहुत ही कमाल के मोबाइल ये लॉन्च किए सैमसंग ने, और इसकी प्राइस भी दोस्तों 1 लाख करीब होने वाली है। अब देखते हैं इंडिया में ये किस प्राइस के साथ और कब लॉन्च होता है। दोस्तों ऑनलाइन भी आपको अवेलेबल हो जाएगा, अगर आप प्री बुकिंग करते हैं तो जल्दी से आपको ये मिल जाएगा। दोस्तों की तरफ से मी 10 और मी 10 प्रो लॉन्च होने वाला है कल, और उनमें भी दोस्तों 108 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिलने वाला है, और बहुत ही कमाल का दोस्तों इसमें प्रोसेसर भी देखने मिलने वाला है। इसमें अभी आपको 5G प्रोसेसर मिलेगा जो कि स्नैपड्रैगन 865 का होने वाला है, और दोस्तों ये मोबाइल भी बहुत ही अच्छे स्पेसिफिकेशन अच्छी प्राइस के साथ लॉन्च होने वाला है। अब देखते हैं दोस्तों S20 को ये कितनी टक्कर देता है। S20 दोस्तों 1 लाख रुपए की प्राइस में दोस्तों सिमिलर आपको देखने को मिलते हैं। अब मी 10 और मी 10 प्रो किस प्राइस में लॉन्च होता है और इंडिया में दोस्तों ये कब तक मिलता है, इंडिया के दोस्तों सीईओ जो मनु कुमार जैन ने भी दोस्तों ट्वीट करके बता दिया है कि मी 10 और मी 10 प्रो जल्दी आपको देखने को मिल जाएंगे इंडिया में। अब देखते हैं दोस्तों क्या प्राइस के साथ ये लॉन्च होते हैं, तो S20 और S20 प्रो को बहुत ही बड़ी टक्कर देंगे। रियलमी और मीडियाटेक अभी दोस्तों साथ में काम कर रही है, और उनके प्रोसेसर दोस्तों मोबाइल में यूज किए जा रहे हैं। अभी आपने C3 में जो कि कम बजट प्राइस का दोस्तों मोबाइल है उसमें आपको G70 प्रोसेसर देखने को मिला था, और अब आने वाले है दोस्तों रियलमी की C सीरीज जिसमें आपको मीडियाटेक का G90 प्रोसेसर देखने को मिलेगा जो कि गेमिंग के हिसाब से बहुत ही कमाल का है। ये प्रोसेसर दोस्तों आपको रेडमी के 8 प्रो में आप देखने को मिला था, दोस्तों बहुत ही पसंद किया गया है और बहुत ही तगड़ा प्रोसेसर है, और रियलमी के दोस्तों 6 सीरीज में आपको ये G90 प्रोसेसर देखने को मिलेगा, और जल्दी दोस्तों इंडिया में ये लॉन्च होने वाला है, सर्टिफाइड हो चुका है। अब देखते हैं दोस्तों कब ये लॉन्च होता है, कोरोना वायरस के रहते दोस्तों ये देरी हो रही है, तो जल्दी आपको देखने को मिल जाएगा। और आज की टेक्नोलॉजी बस यहीं खत्म होती है दोस्तों, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग था, अगर पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, मैं चैनल पर नया आया तो दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, और अपने दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए दोस्तों। इसी तरह की टेक्नोलॉजी डेली आपके लिए लाते रहेंगे।